हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल स्टार डीबीकेएस यूट्यूब चैनल। आज के स्पेशल स्टार की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्पेशल स्टार डीबीकेएस चैनल। हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर के पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है हमारे स्पेशल स्टार। और इस कार्यक्रम की आज की कड़ी लेकर, आज का अंक लेकर मैं हाजिर हूं, आपका अपना होस्ट एंड दोस्त भूप सिंह चौधरी। कीजिए स्वीकार मेरा भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बहुत खास मेहमान का परिचय करवा रहे हैं और जिन्हें आप बहुत भली भांति, जिनसे आप परिचित हैं, जिनका व्यक्तित्व कृतित्व बहुत सरल, व्यक्तित्व के धनी, बहुत प्रतिभा के धनी, आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा जी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप जयपुर में राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। संक्षिप्त परिचय यदि मैं शर्मा जी सर का दूं, हालांकि शर्मा जी सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में मैं आपके विषय में थोड़ा यदि बताऊं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा वर्ष 1993 यानी 1993 में जो माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक स्तर की जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी सीनियर सेकेंडरी, उसके अंदर आपने पूरे राज्य में अपना परचम लहराते हुए पूरे स्टेट में तीसरा स्थान आपने प्राप्त किया। इसके अलावा वर्ष 1996 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपने जो ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, वहाँ भी आपने जो है कॉलेज को टॉप किया है और वहां से गोल्ड मेडल आपको प्राप्त हुआ। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि आपके इतने उपलब्धियां हैं आपकी कि उनको छोटे से परिचय के अंदर पाना बहुत मुश्किल है और आपकी सभी उपलब्धियां हम आपके मुखारविंद से जरूर सुनेंगे। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा जी सर का इन पंक्तियों के साथ। आपकी राहों में हम अरमान बिछा देंगे, आपकी राहों में हम अरमान बिछा देंगे, सपनों की दुनिया भी हम आप पर बिठा देंगे। फूल नहीं है दामन में हमारे, फूल नहीं है दामन में हमारे, मगर आपके आने पर हम आपकी पलकें बिछा देंगे। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करता हूं आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा जी सर। आइए श्रोताओं, आज हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर लिए चलते हैं और जयपुर से सीधे आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में, जिसका नाम हमारा स्पेशल स्टार, इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ रहे हैं जयपुर से हमारे साथ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सूर्य प्रकाश शर्मा सर। शर्मा सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भूप सिंह जी और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा सर, आपको भी, और ये हमारा सौभाग्य कि आपने समय निकालकर अपने अनुभव साझा करना हमारे साथ उचित समझा। और आप क्योंकि बहुत प्रतिभा के, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, यदि मैं ये कहूँ तो कहीं गलत नहीं होगा। शर्मा सर, हम शुरुआत, क्योंकि हर कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान होते हैं, हमारे जो जुगनू होते हैं कार्यक्रम के, उनके हम बचपन से शुरुआत कार्यक्रम की करते हैं, तो आज हम इस कार्यक्रम में चाहेंगे कि आपके भी हम बचपन से शुरुआत करें, तो आप हमारे श्रोताओं को अपने बचपन के बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि। जी, मैं बचपन मेरा नागौर जिले के नामा तहसील है, उसमें एक छोटा सा गांव है देवली कला, वहां से मेरा बचपन शुरू हुआ और लगभग 9 साल की उम्र तक मैं वही रहा, मतलब गाँव के स्कूल में ही पढ़ा भी, कुछ कक्षा 3 तक मैं वहाँ पढ़ा। और उसके बाद फिर फर्दर एजुकेशन के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा विजन है, बहुत थोड़ा, तो इसलिए उस लेवल तक तो वहाँ पढ़ना संभव था। उसके बाद मुझे पढ़ने में बहुत कठिनाई होने से लगी, तो फिर मुझे फर्दर एजुकेशन के लिए हम लोगों ने, मेरे फादर ने मुझे अजमेर शिफ्ट किया हम लोगों ने, तो उसके बाद का जो जीवन है वो अजमेर शहर में बीता। जी, तो बचपन मेरा बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह रहा। जी, ये कह सकते हैं आप। जी, जैसा कि आम तौर पर बच्चों का होता है, सेम उसी बिल्कुल, बिल्कुल। जी, वो खेलते कूदते बचपन बीता बड़े आनंद के साथ।
जी शर्मा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप जैसे कि डिसेबिलिटी का आपने थोड़ा सा इशारा किया कि आप थोड़ा बहुत विजन आपके पास है, ये डिसेबिलिटी का कारण क्या रहा, हम श्रोताओं के साथ ये जी जानना चाहेंगे। जी बचपन से हैं जी आप अगर ये या बाद में कहीं हाँ इंसिडेंट हाँ हुआ? हाँ बिल्कुल, मेडिकल भाषा में अगर कहें तो इसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट कहते हैं, और मतलब इसका ये है कि कंजेनाइटल का मतलब होता है सिंस बर्थ जो होता है उसको कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं, तो कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद था मुझे जन्म से ही। और ऐसा बताया जाता है कि लगभग 6-7 महीने की उम्र में ये डिटेक्ट हुआ कि मुझे दिखाई नहीं देता, और उस समय शायद बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि जैसे बच्चे को इशारा करते हैं बच्चा देखता है, तो ऐसा मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता था उस पे। तो फिर 6-7 महीने की उम्र में पहला ऑपरेशन हुआ, उससे कहते हैं कुछ विजन आया, जी लेकिन मैंने जब से इसको संभाला मैंने लगभग ऐसा विजन देखा अपना, मैं मतलब मुझे भी वो समय याद नहीं है, मैंने नहीं देखा इस रूप में अपने आप को। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप अब वर्तमान स्थिति में यदि हम आपसे मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति मिलता है या आपसे, आपसे जो परिचित है आपको जब जी देखता है, तो हाँ हाँ मतलब यूं कहें कि एक पर्वत के नीचे खड़े होकर ऊपर जब पर्वत की तरफ देखा जाता है तो विशाल पर्वत नजर आता है। तो आप जैसे कि आपने बताया कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं आप, नागौर, नागौर के, तो वहां से जी एक आप क्योंकि दृष्टिबाधित बाई बर्थ आप रहे हैं और एकदम से इतने मतलब एजुकेशन की तरफ आपको बढ़ाना एक छोटे से गांव से, और इतना विशाल आपने मतलब अपने एजुकेशन में विशालकाय रूप जो प्राप्त देखिए, किया, पहले इसके पीछे तो क्या कारण था? मैं अपने आप को इतना ऊंचा नहीं मानता कि मैं कोई विशाल काय पर्वत की तरह मैंने कोई उपलब्धियां अर्जित की हैं, जी ऐसा नहीं है। मैं भी एक सामान्य मतलब ठीक है, उपलब्धियां कुछ मिल गई हैं मुझे, वो परिश्रम है मेरे, मैं कहिए कि माता पिता का मेहनत है, प्लस मेरा परिश्रम तो खैर रहा ही, लेकिन साथ में टीचर्स जो मेरे थे उनका बड़ा सहयोग रहा, बड़ा परिश्रम रहा। और आगे हम बात करेंगे, जैसे हमारे टीचर्स जो लाइन स्कूल अजमेर के थे उन्होंने कितनी मेहनत करी, मतलब अगर कोई सफल होता है तो वो सिर्फ अपनी मेहनत से सफल नहीं होता, बहुत सारे लोगों का उसके पीछे योगदान होता है। बिल्कुल, तो ये जी सारे लोगों का योगदान रहा, जैसे माता पिता का आशीर्वाद कहिए, ईश्वर का आशीर्वाद कहिए, और माता पिता की मेहनत खासकर। जी यकीनन ये व्यक्ति जो है स्वयं के बल पर कुछ नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहयोग या किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। अपनी मेहनत के अलावा हम लोगों का सहयोग अगर मिल जाता है तो बहुत आगे बढ़ चांसेस आगे बढ़ने के ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी जरूर सर, आपकी एजुकेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप जी प्राइमरी देन अपर प्राइमरी उसके बाद हाँ भी हायर बिल्कुल, मैं एजुकेशन बताता आपने हूँ कहाँ आपको। से? जी जैसे मैंने बताया आपको कि गांव में मैं कक्षा 3 तक पढ़ा पहले सामान्य स्कूल में, जी और जब आगे पढ़ना संभव नहीं रहा वहां, तो पिताजी को जानकारी हुई, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनको ये जानकारी हुई कि अजमेर में ब्लाइंड स्कूल है एक तरह का, तो उन्होंने मुझे फिर अपना ट्रांसफर अजमेर कराया मुझे पढ़ाने के लिए जयपुर से, और फिर हम लोग अजमेर चले गए। मैं वहां से फिर मैंने 1982 में जो है ब्लाइंड स्कूल अजमेर जो आदर्श नगर में है वहाँ एडमिशन लिया। वहां से 1993 में मैंने 12th पास किया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से ग्रेजुएशन किया GCA से 1996 में। 98 में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से जो है MA पॉलिटिकल साइंस में पास किया। तो ये मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या होगा। जी सर, चूंकि बात जब एजुकेशन की चल रही है, बात जब शिक्षा की चल रही है, तो मेरे जहन में एक प्रश्न कौंध रहा है। मैंने मेरे साथियों से कहीं से आपके विषय में सुना है कि जब आप स्कूल एजुकेशन कर रहे थे, या अगर मैं सही हूँ, यदि मेरी जानकारी दुरुस्त है, शायद आप सीनियर सेकेंडरी में आपने राजस्थान टॉप किया मेरे ख्याल से, तो हमारे श्रोताओं को आप जी इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये चीज कैसे संभव हो पाई या आपने कैसे क्या किया। जी 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 बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने टॉप नहीं किया था, 3rd पोजीशन थी मेरी राजस्थान में 1993 में, सीनियर सेकेंडरी में कला वर्ग में 3rd पोजीशन थी मेरी पूरे राजस्थान में। तो ये मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरा परिश्रम तो निश्चित रूप से था ही उसमें शामिल, और उसके अलावा हमारे मतलब फैमिली सपोर्ट प्लस टीचर्स की बड़ी मेहनत रही उसमें। क्योंकि जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको कि संयोग की बात देखिए, उस साल संस्कृत की किताबें चेंज हो गई थी, सिलेबस चेंज हो गया था पूरा, और सामान्य जो पुस्तकें प्रिंटेड जो आती हैं
आम बच्चों के लिए, वो आई थी अगस्त के आसपास जी। और हम लोग क्योंकि ब्रेल से पढ़ते थे तो बड़ा मुश्किल था, संस्कृत जैसा विषय जिसको केवल सुनने से काम नहीं चलता, जब तक आपके पास टेक्स्ट नहीं होता है किताब का, श्लोक या जो भी नाटक या जो कुछ हो उसमें से आपके पास टेक्स्ट नहीं हो आप पढ़ नहीं सकते उसको जी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बिल्कुल, मतलब भाषा है ना, और संस्कृत जैसी भाषा जो जब तक ब्रेल में ना उपलब्ध हो आप नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते जी। तो हमने फिर मैंने और हमारे एक सर जो पढ़ाते थे महेश उमराव साहब, उन्होंने दो तीन चार किताबें थी, दो मैंने ब्रेल में लिखी, दो उन्होंने लिखी पढ़ाने के लिए जी। और इस तरह से करके अक्टूबर तक तो हम किताबें ब्रेल में लिखने में ही समय हमारा बीत गया सारा, उसके बाद पढ़ना शुरू किया हमने। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अकेला होता तो मैं शायद मुझे और मुश्किल होती, लेकिन सर का सहयोग था साथ में, बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। तो जब टीचर्स इतने डिवोटेड होते हैं तो सफलता मिलना निश्चित रूप से आसान होता है। इसके अलावा बहुत सारे मित्रों का योगदान रहा, जो रीडर्स थे हमारे, टीचर्स और बहुत सारे, मतलब सबका नाम ले पाना मुश्किल होगा, लेकिन एक मुझे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया उनका जी। वाकई एक कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर पूछे कि बंदे तेरी मर्जी क्या है। वाकई आपने जो जज्बा दिखाया है, या यूं कहूं कि प्रतिभा जो होती है किसी किसी जो है अवसर की मोहताज नहीं होती है, ये आपने सिद्ध करके दिखाया। और ब्रेल पुस्तक आपने स्वयं अपने हाथों से लिखी, बहुत आसान, पिछले कार्यक्रम में भी हमने इस विषय पर चर्चा करी थी कि ब्रेल किताब अपने हाथ से लिखना बहुत आसान नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारी, और उसी साल पढ़ना, अक्टूबर के बाद मार्च में एग्जाम देना, सोचिए आप कितना कम समय मिला होगा पढ़ने के लिए जी। वाकई ये आपके जुनून और जज्बे को दर्शाता है सर। सर ग्रेजुएशन के संदर्भ में भी मैंने कहीं से सुना है कि आपने यूनिवर्सिटी टॉप किया, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा हमारे सामने प्रकाश। बिल्कुल, मैंने GCA से मैंने BA ऑनर्स किया था पॉलिटिकल साइंस से 1996 में, और जो कमी 12वीं में रह गई थी वो यहाँ आकर के पूरी हुई, क्योंकि तब 12वीं में तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं थर्ड पोजिशन आ जाएगी मेरी, बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन जब थर्ड पोजिशन आ गई तो फिर ये दिमाग में रहा कि फर्स्ट भी आ सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। हालांकि कोशिश तो उतनी की जितनी पहले भी की थी, अलग से कोई, पहले भी कोशिश में कोई कमी नहीं थी, कभी ये सोच के नहीं की थी कि हम कोई रैंक आएगी, लेकिन हाँ मेहनत की और BA ऑनर्स में मैं अजमेर यूनिवर्सिटी जो MDF यूनिवर्सिटी है उसमें मेरा गोल्ड मेडल मुझे मिला था 1996 में जी। वाकई आपने जो मेहनत की है सर, हम इस कार्यक्रम के मार्फत आपकी मेहनत को सलाम करते हैं, और आप निश्चय ही हमारे श्रोताओं के लिए जी, हमारे श्रोताओं के लिए निश्चय ही आप प्रेरणा के स्रोत हमेशा से रहे हैं, और आपकी ये जो अनछुए पहलू जो थे शायद बहुत कम हमारे साथियों को ज्ञात थे, तो उसके बाद वाकई आपका जो प्रकाश है वो और बढ़ गया है। सर मैं नहीं, बस ये तो मेहनत थी और हो गया, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कैसे होता गया, बस अपन तो मेहनत कर रहे थे, वही गीता का जो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, बिल्कुल, तो अपना कर्म कर रहे थे, बस सफलताएं अपने आप मिलती गई निश्चित रूप से। सर मैं थोड़ा सा प्रोफेशन की तरफ अब मुड़ना चाहूंगा, मेरा जो है रुख प्रोफेशन की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। आप अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। यदि हम थोड़े से नेपथ्य में चले, थोड़ा पीछे चले, जब से आपने राजकीय सेवा की शुरुआत करी, या कब, मतलब आप ऐसा कौन सा समय आप अमर श्रोताओं को बताएं कि किस समय आप जो है एक प्रोफेशनली जो है आपने अपने आप को डेवलप किया। जी सर, एक बार मैंने RAS प्री दिया था जी। और मैं उसमें पास भी हो गया था, लेकिन क्योंकि उस समय मेरे बहुत रुचि भी नहीं थी प्रशासन में जाने के मामले में, मैंने बहुत सोचा भी नहीं था, बस ऐसे ही क्या होता है कि पढ़ते होते हैं, चलो जो एग्जाम है प्रयास किया जाए, उस रूप में मैंने दिया था एग्जाम, और मैं उसमें प्री में पास भी हो गया था। मेंस में देने नहीं, एग्जाम मैंने अटेंड नहीं किया क्योंकि उतनी तैयारी नहीं थी मुझे, तो समस्या ये लगती थी क्योंकि राइटर हो लेके जाना होता लिखने के लिए, और पता चला कि ये अपने को नहीं आ रहा है तो बड़ा अजीब सी स्थिति बनेगी, तो इस सोच करके मैं एग्जाम देने ही नहीं गया जी। और मेरी रुचि शुरू से ही, मतलब मैं अगर मेरे पास पुराने पेपर्स पड़े हैं उनमें भी ये इंटरव्यू 12th के टाइम जब समाचार पत्रों में छपा था तब भी लोगों ने पूछा था मुझे कि भाई आप क्या सोचते हैं भविष्य के बारे में, तो मुझे एक था पढ़ाने
की रुचि थी, पढ़ने पढ़ाने की रुचि थी। मैंने कहा मैं कॉलेज लेक्चरर उस समय डिजिग्नेशन होता था, व्याख्याता कहते थे, अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया 2018 के बाद जी। तो मैंने यही रुचि रही कि मैं उस फील्ड में जाऊं, और इसी दिशा में मैं प्रयास कर रहा था। एमए के साथ ही मैं जो है आपको यहाँ पर एक घटना याद बताता हूँ। मेरे फादर अब पिछले साल 2019 में अचानक उनका देहांत हो गया था, तो उनका एक संस्मरण मुझे याद आता है, वो सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी आगे की बात बताता हूँ आपको। स्वागत, बताइए। कि जब मैं एमए प्रीवियस कर रहा था, मतलब कर एमए प्रीवियस के एग्जाम हो चुके थे मेरे, तो मुझे लगा कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, और उम्र भी क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में लेट हो गया था 1-8 साल, तो मुझे लगा कि फादर से ज्यादा जिम्मेदारी है, मुझे बीएड कर लेना चाहिए और कुछ पहले प्रयास करना चाहिए कि अपन कहीं जॉब मिल जाए, उसके बाद अपन लेक्चरशिप के बारे में भी करते रहेंगे अपना प्रयास। ये सोच के मैं चुपचाप उन्हें बिना बताए प्री बीएड दे करके आ गया था, पीटीईटी जो होती थी उस समय, और उसमें मेरा मुझे मनचाहा कॉलेज लिया था। मैंने पिताजी से कहा मुझे 10-11 हज़ार रुपये शायद उस समय फीस लगती थी, तो मैंने कहा इसका मुझे ड्राफ्ट चाहिए। संयोग से उनके मित्र आए हुए थे, तो मेरे पिताजी ने मुझे मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना, आप नेगेटिव बोल करके किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं जी। तो उन्होंने मुझे कहा अरे देखो देखो भूरिया साहब, ये हमारा बच्चा है, मेरिटोरियस बच्चा है, ये थर्ड ग्रेड टीचर बनेगा आप, यूं करके उन्होंने मुझे थोड़ा सा टीज किया, तो मुझे बुरा तो लगा जी। फिर उन्होंने मुझे तुरंत रोक कर कहा अभी प्रयास करो, अभी तुम्हारे पास समय है, अभी नेट JRF वगैरह के लिए सोचो, आगे फिर सोचनी है सब बातें, तो बाद की बातें। तो वहां से मैंने सोचा कि अब हमें निश्चित रूप से पहला कदम उधर ही बढ़ाना है, और संयोगवश मैं पहले अटेम्प्ट में नेट मेरा क्लियर हो गया, और उसी दिशा में मैं प्रयत्न करने लगा। और 2001 में पहली बार मैं राजस्थान में, उस समय वैकेंसी नहीं थी, तो पहली बार वैकेंसी मुझे मिली यूपी में जी। मैंने वहां अप्लाई किया यूपी के फैजाबाद के लिए, और वहां से मैं चयनित हुआ 2001 में। मैंने वहां ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर, वहां प्रवक्ता कहते हैं व्याख्याता को, तो प्रवक्ता पद पर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में जो है एक जगह है अकबरपुर कानपुर देहात जी, वहां ज्वाइन किया, तो यहां से मेरी राजकीय सेवा प्रारंभ हुई जी। उसके बाद सर राजस्थान में आप कब आए, कब आपने सपने देखे जी, जी, राजस्थान उसका, जी मैंने वहां ऐसी में ही 2001 में ही वैकेंसी आ गई थी संयोग से मेरे ज्वाइन करने के कुछ समय बाद जी, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। लेकिन उस समय यहाँ पर जो नियम थे राजस्थान में, उसमें 1995 का जो अधिनियम था उसके तहत जो नियम बनाए गए थे, उसमें व्याख्यात कॉलेज व्याख्याता के लिए पात्र नहीं माना गया था दृष्टिबाधित को, तो 1995 का जो अधिनियम था उसके तहत 2000 में राजस्थान सरकार ने नियम बनाए थे, उन नियमों के तहत कॉलेज व्याख्याता का पद जो है दृष्टिबाधितों के लिए चिन्हित नहीं किया गया था। अच्छा। हाँ, और तो इस कारण से मुझे जो है फिर हाईकोर्ट में जाना पड़ा, और लेकिन और मुझे जाते ही लगभग 3 महीने में हाईकोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन दे दिया, लेकिन RPSC ने जो है DB ने अपील करी, और DB के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे भी गए, इस तरह से 6-7 साल ये केस चलता रहा, और 2008 में जाके जब वहां से सुप्रीम कोर्ट में भी लोग हार गए राजस्थान सरकार और RPSC, तब जाकर के इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया, और 2009 में फिर मैंने राजस्थान में ज्वाइन किया। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा जी, जी, इस विषय पे थोड़ा सा आप विस्तार से हमारे श्रोताओं का मैं चाहूंगा कि बताएं कि ये जो मसला था RPSC ने जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दृष्टिबाधितों को एक एक तरीके से अपात्र मान रहा था, तो जी, मतलब जी, ऐसे जी, क्या आर्ग्यूमेंट RPSC करता था कि किस वजह से जो है दृष्टिबाधित? RPSC ने नहीं माना था, देखिए RPSC ने पात्र नहीं माना था, वो सरकार ने पात्र माना था, क्योंकि 1995 के अधिनियम के तहत सरकार को जो है पद चिन्हित करने थे, कौन कौन से पदों के लिए जो है योग्य माना गया है विकलांग व्यक्तियों को, दृष्टिबाधित को किन पदों पर नियुक्त किए जा सकते हैं जी, जी, और अन्य तरह के विकलांग जो है उनको किन पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, ये सरकारों का काम था उस अधिनियम के तहत। तो राजस्थान सरकार ने 4-5 साल तक तो कुछ किया ही नहीं, 2000 में उन्होंने फिर एक नियम बनाए कुछ, और वो भी उल्टे सीधे नियम बनाए जिसमें ये रखा गया कि अकाउंट सर्विस जो थी उसको तो राजस्थान अकाउंट सर्विस उसको तो दृष्टिबाधितों के लिए चिन्हित किया,
लेकिन कॉलेज व्याख्याता का पद जो है उन्होंने चिन्हित नहीं किया उसके लिए, और इस कारण से जो है आरपीएससी ने अपात्र माना उस पोस्ट के लिए। तो इसको चैलेंज किया था हमने, फिर ये रहा, तो और उसका परिणाम ये हुआ कि आरपीएससी को सॉरी सरकार को जो है हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि आप पुनः केंद्रीय सूची के अनुसार पद चिन्हित करिए, और जो केंद्रीय सूची में जिन जिन पदों को के लिए पात्र माना गया है दृष्टिबाधितों को, उन सब पदों पर आप यहाँ पर उनको चिन्हित करिए, और दूसरा ये कि संबंधित व्यक्ति को भी लाभ दीजिए। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम पद चिन्हित कर देते हैं। उन्होंने फिर उनको चिन्हित किया दोबारा से, लेकिन कहा कि अब क्योंकि इसके तो ये तो निकल गया है मामला, तो इनको लाभ नहीं दे सकते, और ये कह सकते वो डीबी में चलेगी सरकार भी और आरपीएससी भी। और वहां से फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उनकी कहीं भी रिट जो है एक्सेप्ट नहीं हुई, सब जगह खारिज हो गई, एडमिट नहीं हो पाई उनकी रिट। तो परिणाम स्वरूप आखिरकार जब कई 6 साल बाद लगभग उन्होंने मुझे कंसिडर किया इंटरव्यू के लिए, फिर मुझे 2009 में यहाँ पर नियुक्ति दी। जी, यानी इस ये बीच माना मैंने 2006 में फिर दोबारा अप्लाई किया था यहाँ पर, तो उसमें भी मेरा चयन हो गया था। तो फिर क्योंकि मुझे इस वाले में ज्यादा लाभ था, पुरानी रेट से लाभ मिलना था, तो वो मैंने बाद वाली चयन प्रक्रिया से मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो ये केस सर आपका कब फाइनल हुआ, सुप्रीम कोर्ट से किस सन की बात सुप्रीम होगी? कोर्ट से 2008 में फाइनल। 2008 में। यानी ये कहा जा सकता है कि अब राजस्थान में आज जो वर्तमान स्थिति है, कॉलेज शिक्षा के लिए जब दृष्टिबाधित बहुत आसानी से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, ये स्थितियां 2008 के बाद से लागू हुई है राजस्थान। नहीं, 2006 में ही लागू हुई थी। तो क्योंकि मैंने बताया ना, 2000 के मेरे क्वेश्चन के बाद उन्होंने नियम तो चेंज कर दिए थे, लेकिन कहा था कि इनको लाभ नहीं दे सकते अब, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी कर ली हमने। जी। तो मेरा मुकदमा सिर्फ इस बात पे था, जो सुप्रीम कोर्ट तक जो जाने का था वो था कि मुझे लाभ के लिए, बाकी लोगों को लाभ तो उसी केस से मिल गया, जी आने वाले उन लोगों को। तो 2006 में जो वैकेंसी आई उनमें प्रॉपर लाभ दिया गया था सबको। वाकई आपके जो प्रयास हैं सूर्य प्रकाश शर्मा जी सर, ये वाकई बहुत अच्छे प्रयास है कि आपने सिर्फ न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक रास्ता खोला आपने केस लड़ करके, और आरपीएससी और राजस्थान सरकार को जिस तरीके से आपने कटघरे में खड़ा किया नियमों को लेकर के, और जिसका परिणाम ये है कि आज कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति जो चाहता है कि कॉलेज शिक्षा में अपने हुनर को जो है अपने ज्ञान का प्रकाश कॉलेज शिक्षा तक फैलाए, वो बहुत आसानी से आज फैला पा रहा है, और उसके पीछे का जो कारण है वो आपके प्रयास रहे हैं निश्चित रूप से। इसका सारा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तव में उन्होंने सारी सारा प्रयास किया था। मेरा और कौशल किशोर का, हम दोनों लोगों के साथ चल रहा था, तो जी सारी गहरा जो प्रयास था वो पिताजी का था, हाईकोर्ट में पहुंचना, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि तो मैं तो पढ़ रहा था, पढ़ के क्या मतलब, यूपी में चला गया था उस समय, यूपी में जॉब कर रहा था, तो मैंने तो कोई सिर्फ एक रिट लगाने का काम था, बाकी सारा प्रयास मेरे फादर का था। तो ये सारा श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ, और ये सब बहुत सारे लोग जो मेरे कंटेम्प्रेरी हैं वो तो जानते भी हैं, और भी बहुत से लोगों के उन्होंने केसेस हाई कोर्ट में मतलब प्रयास करके उन्होंने सफलता, कुछ में सफलता भी मिली, कुछ में हालांकि पेंडिंग भी है, अभी कई सारे मैटर पेंडिंग भी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके पूजनीय पिताश्री को शत शत नमन करना चाहेंगे सूर्य प्रकाश शर्मा सर, कि आपने आपको उन्होंने इतनी बेहतरीन प्रेरणा दी और इतने प्रेरणा के स्रोत निश्चित रूप से रहे हैं आपके लिए, और उनकी वजह से आज पूरा राजस्थान का दृष्टिबाधित समाज जो है एक आसानी की जिंदगी जी पा रहा है, कि कॉलेज शिक्षा में यदि कोई जाना चाहता है तो उनके लिए इतनी कठिनाइयां नहीं रही हैं। हम नमन करते हैं आपके पिताश्री के प्रयासों को। जी जी सर, अब हम बढ़ना चाहेंगे कि वर्तमान में आप कॉलेज में हैं, तो थोड़ा सा आप अपने पदस्थापन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि कहाँ पदस्थ हैं और किस जी विषय पर आप जो है पदस्थ हैं। जी मैं देखिए, मैंने बताया मैंने अकबरपुर कानपुर देहात जो यूपी का जिला है वहां से नौकरी शुरू की अपनी राजकीय सेवा। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ था आगरा में, फतेहाबाद एक जगह है वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में, और उसके बाद 2009 में मैं यहाँ की कालाडेरा है जयपुर से 40 किलोमीटर दूर, वहां पर राजकीय महाविद्यालय है उसमें पोस्टेड हूँ सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान के पद पर। पिछले लगभग 11 साल हो गए मुझे वहां पर। जी, राजनीति विज्ञान आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वर्तमान में। जी। जी सर, कॉलेज में जब आप जाते हैं, क्योंकि दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं या दृष्टिबाधित शिक्षक जो होते हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं, सामने आती हैं,
तो आपको किस प्रकार की कुछ चैलेंजेस आपको देखने पड़ते हैं, किस प्रकार के चैलेंजेस आप मानते हैं कॉलेज में दृष्टिबाधितों के हिसाब से? जी। देखिए, कुछ चैलेंजेस मुझे लगता है, अगर चैलेंजेस की बात करें टीचिंग में दृष्टिबाधितों के लिए, तो मुझे लगता है प्राइमरी लेवल पे ज्यादा चैलेंजेस, और जैसे जैसे हायर क्लासेस को पढ़ाने का मौका होता है वैसे चैलेंजेस कंपैरेटिवली कम होते चले जाते हैं। क्योंकि कॉलेज में मुझे बच्चों को ये नहीं सिखाना है कैसे लिखना है, वो लिखना उन्हें आता है, मुझे एक्सप्लेन करना है। तो मुझे लगता है कि कॉलेज लेवल में चैलेंजेस कंपैरेटिवली कम होते हैं स्कूल के या प्राइमरी स्कूल के लेवल की तुलना में अगर हम देखें तो। एक चीज तो ये है, चैलेंजेस नो डाउट थोड़े से होते हैं कई बार कि बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी आजकल हालांकि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, बहुत कुछ हम लिख करके भी बता सकते हैं अगर उपलब्ध हो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो आपके स्मार्ट बोर्ड होते हैं आजकल, अगर वो उपलब्ध हो क्लास में तो हम लोग उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस में जैसे हम जानते हैं आमतौर पे ये उपलब्ध हो नहीं पाते हैं, तो ये थोड़ी समस्या रहती है। तो उसका रास्ता निकलता है कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको स्पेल करना पड़ता है, स्पेलिंग करके उनको बताना पड़ता है। ये छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, अदरवाइज कोई बड़ा चैलेंज कम से कम पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में तो नहीं आता, क्योंकि हमें तो केवल अपनी विचार उन तक पहुंचाने होते हैं, विचार करने के लायक बनाना होता है उन्हें, चिंतन करने लायक उनको बनाना होता है बेसिकली इस लेवल पे। ये नहीं कहा जा सकता है कि एक मिट्टी की मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी होती है, उनमें आप प्राण प्रतिष्ठा आप उनमें करते हैं। अब ये देखिए, आपकी जो है अलंकारिक भाषा है, जी मैं साहित्य का आदमी नहीं जी हूँ जी सर, अब जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया अभी अपने वक्तव्य में, जी हाँ जी और आपके साथ आपके सानिध्य में रहने का मुझे भी कई बार अवसर मिला है, और मैंने देखा है बहुत नजदीक से आपको कि आप टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी को मतलब यूँ कहें कि आपका हाथ जो है बहुत मजबूत है तकनीक में, तो खासकर जी अपने प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी आपको किस प्रकार से मदद कर? टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है पढ़ना और लिखना, जो क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि जिस जमाने में मैं विद्यार्थी था तो उस समय पढ़ने की सुविधाएं आज वाली नहीं थी, हमें या तो ब्रेल की किताबें, क्योंकि कॉलेज या स्कूल लेवल पे भी उपलब्ध नहीं थी, बल्कि मैं कहूँ 8वीं क्लास के बाद ब्रेल की किताबें भी नहीं थी, तो उस समय हमें या तो पढ़ना पड़ता था रीडर के माध्यम से, और या एक और हमारे टीचर थे रामजस जी सोनी साहब अजमेर में, उन्होंने एक कैसेट लाइब्रेरी शुरू कर दी स्कूल में, तो उसकी मदद से हम पढ़ पाते थे, और लेकिन उसका लिमिटेड लिमिट था कि हम क्या पढ़ सकते हैं, जो किताब हम पढ़ना चाहें वो नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से बदौलत हम जो भी किताब पढ़ना चाहें वो हम पढ़ सकते हैं, इवन मतलब हिंदी इंग्लिश का, हिंदी का भी बैरियर नहीं रहा तो, और अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप उसको स्कैन करके पढ़ सकते हैं, एक चीज तो ये है। दूसरा, अगर आप आजकल जो नई किताबें छप रही हैं वो तो ऑनलाइन आपको जो है एक्सेसिबल फॉर्मेट में मिल रही है, जैसे गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारी किताबें मैं खरीद के पढ़ता हूँ बड़े एक्सेसिबल फॉर्मेट में, चाहे हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, तो ये बैरियर्स खत्म हो गए हमारे लिए। इसी तरह से आप और बहुत सारे किंडल बुक पे भी आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे मतलब कम से कम पढ़ना आसान हो गया, और इसी तरह से लिखना भी आसान हो गया, आप अपने लैपटॉप के माध्यम से अपने नोट्स बना सकते हैं, और ब्रेल डिस्प्लेज भी आप लग आजकल उपलब्ध, जो ब्रेल से पढ़ते हैं उनके लिए भी सुविधा बहुत हो गई है। तो मोबाइल फोन, कंप्यूटर या ब्रेल डिस्प्ले, तीनों चीजें जो है बहुत ही पढ़ने में मदद करती हैं। जी, यानी हर वो व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहे तो बहुत आसानी से पढ़ सकता है। उसके लिए एक अपना जो डिसेबिलिटी है वो कहीं उसके लिए रास्ते का रोड़ा नहीं आड़े है। नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल पढ़ने लिखने के मामले में कहीं डिसेबिलिटी आड़े नहीं आती, और इसके अलावा भी जीवन के और बहुत सारे काम, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंडिपेंडेंट कहीं आपका आना जाना हो, वो सारे आसान हो गए हैं। तो शहर में अगर आप रहते हैं तो ओला उबर की मदद से आप जहाँ चाहें अकेले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जी सर, आप दृष्टिबाधितों के सशक्तिकरण के लिए आपने बहुत काम किया है,